आज भारतीय किसान यूनियन के एक प्रदेश स्तरीय बैठक कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि अब हरियाणा प्रदेश में किसानों की समस्याओं को हल कराने के लिए प्रदेश में दोबारा से भारतीय किसान यूनियन आंदोलन की ओर अपना रुख अपना सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सरकार को मुश्किलें खड़ी करने के लिए विधानसभा में अपने अपने कैंडिडेट भी खड़ा करेगी भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी खुद लाड़वा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आज उन्होंने खुद इसका ऐलान भी किया। बैठक बुलाई गई है प्रदेश स्तरीय, आपकी बैठक क्या बताएं, क्या मुद्दे हैं? देखिए, आज की मासिक मीटिंग है, 21 तारीख को होती है, और आज के जो मुद्दे हैं वो जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पे आज चर्चा हुई है। जैसे नारायणगढ़ शुगर मिल की गन्ने की पेमेंट है जो आज की तारीख में 100 करोड़ से ज़्यादा की पेमेंट रुकी हुई है, और केन कमिश्नर ने 15 मई तक ये पेमेंट करवाने का वादा किया था, आज 21 जून हो गई है और 100 करोड़ से ज़्यादा अभी तक रुका हुआ है, और अभी वो टस से मस नहीं हो रहे। वहाँ पे 24 तारीख की किसान पंचायत रखी गई है, और इसी तरह से सूरजमुखी है, सूरजमुखी के 8 केंद्र यहाँ पे बनाए गए थे और सारी सूरजमुखी खरीदने का वादा किया था, लेकिन अभी सूरजमुखी जो है आधी भी सूरजमुखी भी नहीं खरीदी गई है, और 2 खरीद एजेंसियाँ हैं, फड़ने और वेयर हाउस ने खरीदनी थी, तो आज के टाइम में दोनों खरीद एजेंसियाँ मंडी में नहीं हैं, और जबकि सरकार का आर्डर 95,000 क्विंटल का आ भी गया है कि इतनी खरीदनी है, लेकिन फिर भी जो है वो आपस का जो उनका झगड़ा है वो नहीं निपट रहा, और सूरजमुखी पेंडिंग अभी ADC से मिल के आए हैं लेकिन मामला सुलटा नहीं है। वहाँ पे कल शाहबाद में पंचायत रखी गई सूरजमुखी के लिए, और इसी तरह से यमुनानगर मिल में एक धरना चला हुआ है, यमुनानगर बाईपास का धरना चला हुआ है, धरना भी समाप्त है, 3 तारीख को उसकी रखी गई है, वहाँ किसानों की पेमेंट नहीं की है। और एक मुद्दा जो है आज के टाइम में सबसे बड़ा मुद्दा जो है, हरियाणा सरकार ने नए बिजली के कनेक्शन जो ट्यूबवेल लगे थे वो इशू किए थे, लेकिन उसके साथ कई शर्तें ऐसी लगा दी गई हैं जो किसान पूरी नहीं कर सकता, जैसे 5-स्टार मोटर की है, एक स्टार्टर और थोप दिया गया, वो स्टार्टर ही 35,000 रुपये का है, पाइपलाइन की है, कई इस पे शर्तें थोप दी गई हैं जिनका कोई हल अभी तक नहीं निकल रहा है, और उसका लिए 12 दिन तक रेवाड़ी जिले के लोहारू में धरना चलता रहा, अभी वहाँ पे ज्ञापन दिया हुआ है और 15 दिन का टाइम वहाँ पे दिया था कि या तो बिजली बोर्ड उसको अपनी शर्तें हटाए और वरना उसके लिए भी एक बड़ा आंदोलन होगा, और यहाँ के लोगों की भी बहुत भारी समस्या, भी कई गाँवों के लोग हमारे पास आए हुए हैं जिनका नए कनेक्शन जिनके देने थे और वो अभी पैसे भरवाने, यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने नए कनेक्शनों के पैसे भरवाने बंद कर दिए गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि खट्टर साहब ने बयान तो दे दिया है कि जो 5-स्टार मोटर का खर्चा है वो सादी मोटर से जितना ज़्यादा होगा वो सरकार देगी, लेकिन उसका सर्कुलर अभी तक नहीं आया है, और सर्कुलर ना आने की वजह से वो कन्फ्यूज़ है, ना वो उधर बात को लगा रहे हैं ना उधर बात को लगा रहे हैं, और उन्होंने खर्चा वो भरवाना बंद कर दिया और कनेक्शन देने पूरी तरह से बंद कर। मतलब हरियाणा प्रदेश में अब दोबारा जी बिल्कुल दोबारा, मैं 4-5 जगह के बता हटा हूँ, ये जगह जगह पे इसके लिए धरने प्रदर्शन जो चल भी रहे हैं और आगे चलेंगे भी।